दोस्तों साउथ के सुपरस्टार रामचरण और उनकी पत्नी उपासना 20 जून को ही पेरेंट्स बने हैं और उनकी बेटी के जन्म की गुड न्यूज रामचरण ने सोशल मीडिया पर भी जाहिर की है। लेकिन दोस्तों अब एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि रामचरण को किसी से खतरा है और उन पर अटैक करने की साजिशें रची जा रही है, जिसके चलते रामचरण, उनकी पत्नी उपासना और उनकी बेटी तीनों को ही जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन दोस्तों आखिर कौन है वो लोग जो रामचरण पर अटैक करने की साजिशें रच रहे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों सुपरस्टार रामचरण की बेटी क्लिंकारा खास लाड और प्यार से बड़ी हो रही है और उनकी देखरेख में केवल घरवाले और नैनी ही नहीं बल्कि रामचरण का पेट डॉग राइम भी शामिल है। और उपासना ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में उन्होंने क्लिंकारा और राइम के भाई बहन वाले बॉन्ड की झलक दिखाई है। लेकिन दोस्तों अब लग रहा है कि रामचरण, उनकी पत्नी उपासना और उनकी बेटी क्लिंकारा के प्यार पर किसी की नजर लग गई है, क्योंकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि रामचरण पर अटैक करने की साजिशें रची जा रही है। देखिए अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर कौन लोग हैं जो रामचरण पर अटैक करने की साजिशें रच रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये साफ तौर पर बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से रामचरण अपने फैंस के लिए चैरिटी करते रहते हैं तो शायद उसी की वजह से उनके पास कोई एक्सटॉर्शन का फोन आया है, जिसके चलते रामचरण की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन दोस्तों अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि एक्सटॉर्शन का फोन आया है तो आया कहां से, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इसका लिंक सीधा लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक्सटॉर्शन का काम तो वही करती है। बाकी दोस्तों अभी तक रामचरण की तरफ से इस न्यूज पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है और ना ही उन्होंने अभी तक मीडिया से कोई भी इसकी जानकारी साझा की है। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि एक्सटॉर्शन कॉल आने के बाद से ही रामचरण की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। बाकी दोस्तों इस खबर को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि किस गैंग ने रामचरण को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स किए होंगे? दोस्तों आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।